नमस्कार दोस्तों, सत्यम लाइव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से मैं लेखराम सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए हम लोग हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रीड सेकंड लेवल एसएस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के विषय में मैं आपके सामने कुछ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। एसएस के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अगर एनालिसिस करें, तो सर्वाधिक क्वेश्चन ज्योग्राफी एवं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इसके बाद पॉलिटिकल, इसके बाद छोटा सा जो पोर्शन है वो शिक्षण विधियों का है। भूगोल विषय के विषय में अगर हम चर्चा करें, तो भूगोल के तीन भाग एसएस सेकंड लेवल में समाहित किए गए हैं, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड। जनरली अगर हम बात करें और हमारे राजस्थान के कंपटीशन के विषय में अगर हम बात करें, दोस्तों राजस्थान में कंपटीशन की शुरुआत 1982 से हुई है। हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1982 में RS RTS का एग्जाम कंपटीशन होना प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 91 से सब इंस्पेक्टर, इसके बाद धीरे 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 प्रत्येक नौकरी के लिए एक कंपटीशन का आयोजन होने लगा। 38 साल पुराने इस कंपटीशन की प्रकृति को अगर एनालिसिस किया जाए, समझा जाए, तो जब हमारे राजस्थान में कंपटीशन की शुरुआत हुई थी, सामान्य से सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे एग्जामिनर ने अपनी प्रकृति में, प्रश्न पूछने की प्रकृति में बदलाव किए और वर्तमान में राजस्थान में कंपटीशन अपने चरम पर है। किसी भी विषय के विषय में अगर हम चर्चा करें, तो जनरल क्वेश्चन का वर्तमान में कोई लेना देना नहीं रहा। कारण एग्जामिनर के कंधों पर भी एक बहुत बड़ा वजन है, बोझ है, कि इस लाखों की भीड़ में से किस तरीके से ओरिजिनल क्रीम को छांटा जाए। दोस्तों, इन सब बातों को हम सबसे पहले डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आज की तारीख में 90% से भी अधिक विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी तो करने लग जाते हैं, परंतु वो अपने दिमाग में यह एक रील या रणनीति नहीं बना पाते कि उन्हें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, ये एक फैक्ट वर्तमान में रिसर्च करने से निकल के आया है, हकीकत में 10% विद्यार्थियों में ही कंपटीशन होता है, बाकी के सभी लोग बिना रणनीति के एक भेड़ चाल के रूप में कंपटीशन रूपी दलदल में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कंपटीशन की प्रकृति को समझने के लिए हमें एक और प्रकृति समझनी होगी। पुरानी परीक्षाओं में आए हुए सवाल, शुरुआती तौर पर आए हुए सवाल, वर्तमान में आ रहे सवाल, कहने का तात्पर्य है परीक्षा में पहले कैसे सवाल आते थे, वर्तमान में कैसे आ रहे हैं, भविष्य में कैसे आ सकते हैं, इस रणनीति को लेकर के हम फॉलो करेंगे, इस रणनीति को लेकर के हम चलेंगे, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कंपटीशन को तोड़ने में। दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट के विषय में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ नहीं बदला, मेन कॉन्सेप्ट वही है। बदला है तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका बदला है, और हर बार परीक्षा में कुछ ना कुछ सवाल नया अवश्य आता है। यानी कि सब्जेक्ट में कुछ नहीं बदला, फिर भी हर बार परीक्षा में नया सवाल आता है। यानी कि बदला है तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका। एग्जामिनर कोई भगवान नहीं है, उसके पास भी पढ़ने के लिए किताबें हैं, पेपर बनाने के लिए किताबें हैं,
हमारे पास भी पढ़ने के लिए मैटर के रूप में किताबें हैं, पुस्तकें हैं। एक मेंटली अप्रोच हमें प्राप्त करनी है जो एग्जामिनर के पास है, किसी चीज को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिससे अगला अध्ययनरत विद्यार्थी उसे हल करने में रटंत विद्या का प्रयोग ना करे। जनरली अगर हम देखें तो परीक्षा में पिछले की तुलना वर्तमान में जो बदलाव आए हैं वो कंपटीशन को बहुत मजबूत, और मजबूत के साथ ही मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, चरम पर पहुंचाते हैं। जनरली अगर भूगोल के विषय में बात करें और राजस्थान के भूगोल के विषय में बात करें, अधिकांश विद्यार्थी इसे अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं कि राजस्थान का भूगोल सब कुछ पता है ए टू जेड, परंतु जब परीक्षा में सवाल आता है और केवल राजस्थान के सामान्य परिचय में से ही सवाल आता है तो अधिकांश विद्यार्थी असहज महसूस करते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो जो हमारा समझने का नजरिया है या कंपटीशन के प्रति हमारा नजरिया है वो एक पॉजिटिव वे में जब जाएगा जब हमारे पास यह रणनीति होगी कि हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों इन्हीं बातों को लेकर के अगर हम रीड सेकेंड लेवल एसएस के सिलेबस के विषय में बात करें तो राजस्थान इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड 4 वनी यूनिटें हमारे सिलेबस में समाहित की गई हैं। उनमें सबसे पहले राजस्थान के कुछ बिंदु, राजस्थान का सामान्य परिचय, उसमें स्थिति, अवस्थिति, विस्तार और राजस्थान के भौतिक विभाग। ये राजस्थान के भूगोल की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है जिसमें से जबरदस्त क्वेश्चन परीक्षा में इस समय पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान में जल संरक्षण एवं उसकी प्रविधियां, इसमें से कभी कभार सवाल आता है, पर आता है तो अच्छे अच्छे लोग कर नहीं पाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो कृषि एवं फसलें, इसके बाद उद्योग, जनसंख्या, फिर आते हैं हम भारत। भारत में अगर बात करें तो भारत की स्थिति, अवस्थिति, भौतिक विभाग, भारत में वन्य जीवन, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, फिर आता है संसाधन भूगोल के 4 बिंदु हैं, मृदा, जनसंख्या, उद्योग एवं मानव संसाधन। इसके विषय में अगर बात करें तो फिर आता है हमारा विश्व के भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, चट्टाने एवं पृथ्वी पर परिवर्तनकारी बल। हमारी इन 4 यूनिटों में, इन 4 बड़ी यूनिटों में औसत 20 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, कभी एक दो ज्यादा, कभी एक दो कम। अगर हम जनरली विद्यार्थी के विषय में बात करें तो विद्यार्थी का अधिकांश जो वीक पॉइंट है वो है विश्व का भूगोल और संसाधन भूगोल, उससे कम वीक पॉइंट वो है भारत का भूगोल, और जो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं वो है राजस्थान का भूगोल, जबकि सब ज्यादा गलती इसी में करते हैं। दोस्तों हम हमारे सिलेबस को वर्तमान में पाठ्यक्रम के अनुपात के आधार पर, वर्तमान में पाठ्यक्रम की डिमांड के आधार पर, वर्तमान में कंपटीशन को तोड़ने के आधार पर लेकर के ही उसके विषय में चर्चा करेंगे। और एक विशेष रणनीति कि परीक्षा में पहले कौन से सवाल आते थे, वर्तमान में कौन से आ रहे हैं, भविष्य में कौन से आ सकते हैं, इस रणनीति को लेकर के आगे चलेंगे। जनरली विद्यार्थी 2 चीजें और बताते हैं कि सर विश्व का भूगोल तो बहुत कठिन है, ये तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। दोस्तों सरल और कठिन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इन दोनों के बीच में एक बारीक सा पर्दा होता है जो हमारा भ्रम होता है। जो हमसे आता है वो सरल, जो नहीं आता है वो कठिन। हम इस मंच के सहयोग से हर चीज को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो कठिन रहेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। अगर कोई चीज कठिन है तो वो मनुष्य का खुद का मस्तिष्क है,
रियलिटी में किसी विषय पाठ्यक्रम बिंदु को हम कठिन नहीं कह सकते अगर हमारा उसे जानने का तरीका, उसके प्रति हमारी लगन अगर परफेक्ट है तो कोई भी चीज हमारे लिए कठिन नहीं है। दोस्तों, सत्यम लाइव क्लासेज की ओर से मैं लगातार भूगोल के अध्ययन के लिए कल से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं रेगुलर क्लास के साथ। एक एक बिंदु को हम इसी तर्ज पर अध्ययन करेंगे कि भविष्य में इसमें से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और भविष्य के सवालों का पता लगाने का ऐसा कोई जादुई मंत्र नहीं है कि भविष्य के सवालों को हम अभी यहां पर लिख दें। जादुई मंत्र कुछ नहीं है, बस हमारे उस यूनिट के प्रति समझने और उसे पढ़ने के तरीके को लेकर के कुछ बिंदु हैं, कुछ रणनीति हैं, कुछ बातें हैं जो हम हर यूनिट हर बिंदु को डिस्कस करते हुए साथ में लेकर के चलेंगे। दोस्तों, वर्तमान कंपटीशन के संदर्भ में अगर हम बात करें और लाखों की भीड़ को अगर देखें तो कंपटीशन की जो डिमांड है उस डिमांड को समझने के लिए सत्यम के मंच से मैं आपको प्रत्येक सिलेबस के बिंदु को एकदम आसानी से सारगर्भित और भविष्य में आने वाले सवालों के आधार पर प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको रीत की परीक्षा में कतई दुविधा नहीं होगी। आप सभी से अनुरोध है प्रत्येक क्लास को उसी ऊर्जा उसी जोश के साथ हम यहां पर पढ़ेंगे, एक दूसरे के सहयोग से ये काम करेंगे और भविष्य में आने वाली इस परीक्षा को निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक हल करेंगे, तोड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।